जो सदन बंद होने जा रहा है, कितने जीत के आगे दोबारा कितने नहीं आएंगे, आज महत्वपूर्ण दिवस है। हमारी कामना है कि जितने अभी हैं सदस्य वाणी सदस्य फिर जीत जाए, यही मेरी कामना है। अध्यक्ष अच्छे बने, लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि सदन चलाना बहुत कठिन काम है। जिस कुर्सी पर बैठे हैं, इतने पूरे सदन के नेताओं को, सदस्यों को संतुष्ट करना, ये बहुत कठिन काम है। और सबको संतुष्ट किया भी नहीं जा सकता है। हमें तो अनुभव है लोगों से जब बात करते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहें कि आपने सदन को बहुत अच्छी तरह चलाने के लिए किया। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया। ये सही है कि हम जब जब मिले किसी काम के लिए कहा, तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया, तो आपने जिस तरह सभा को चलाया है, और सबको खुश रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके पेपर खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेष तौर बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। और मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए, ये हमारी इच्छा है। और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इस पर इतना बहुत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। सदन में आज आपको खुशी हो रही है और एक तरह से खुशी हो रहा है। तो हम लोग आज ये सदन बंद की बात मिलेगी, लेकिन हम चाहते हैं सब स्वस्थ रहें। जितने सदन में बैठे हैं सब स्वस्थ रहें, वो सब मिलकर फिर सदन चलाएं, ये मेरी कामना है। ये सूत्र है हमारी आशाओं के स्वस्थ होता हूँ सर, और आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। ये कुर्सी बड़ी कठिन है, कि सबको संतुष्ट करना, इसमें आपने प्रयास किया। प्रधानमंत्री जी कोई बधाई देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी सबको खुश करने का और जायज काम करने का हमेशा प्रयास किया है और किया है। इसलिए हम इस अवसर आपको तो बधाई दे ही रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी आप कोई बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद करने देना चाहते हैं। सभी माननीय सदस्यों के बारे में कामना है, वे सब के सब करके दोबारा।